थम रहा किसानों का गुस्सा, राष्ट्रीय राजमार्ग को किया गया चक्का जाम, अन्न से लबालब थाली में छेंद ही छेंद। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा गन्ने का उत्पादन नरसिंहपुर जिले में होता है, लेकिन गन्ने के वाजिब दाम मिलना मुश्किल हो रहा है, अथा मात्रा में अन्न उपजता है लेकिन किसान और गरीब भूखे मारे जाते हैं। क्या सरकार इस यथास्थिति को बदल पाएगी? भवांतर के भंवर में फंसी सरकार अब गुड़ के दानों को लेकर घेरे में आ रही है। नरसिंहपुर कृषि उपज मंडी में गुरुवार को बड़ी संख्या में किसान गुड़ बेचने के लिए पहुंचे थे, जहां मंडी में व्यापारियों ने गुड़ की कीमत काफी कम की जाने से किसानों का गुस्सा फूट पड़ा और व्यापारियों खिलाफ नारेबाजी करने लगे। मंडी प्रशासन ने सुनवाई नहीं की तो चक्का जाम कर दिया, फिर भी कुछ नहीं हुआ तो बाजार बंद करा दिया। गुस्साए किसान रेल की पटरियों पर जा बैठे। पुलिस ने लाठी चार्ज कर किसानों को खदेड़ दिया तो किसान भड़क गए और नेशनल हाईवे जाम कर डाला। किसानों का आरोप है जिला प्रशासन किसानों उपज दाम को लेकर कोई में खास रुचि नहीं ले रहे हैं। किसानों को हर हाल में उनकी उपज दाम मिलना चाहिए और गुड़ व्यापारियों ने सिंडिकेट बनाकर गुड़ के दाम कर दिए गए हैं। किसान काफ़ी देर तक मंडी में हंगामा करते रहे, उनकी बात नहीं सुनी गई तो उन्होंने मंडी से बाहर निकलकर चक्का जाम कर दिया। कि क्या हुआ है, आप लोग क्यों बैठ गए यहाँ पे? क्या हुआ है? मीडिया वालों को पता नहीं है क्या हुआ है? हम लोग रोड पे बैठे हैं, नेशनल हाईवे पे बैठे हैं, ये भी हमारी मातृभूमि थी इसलिए यहाँ पे बैठे। हमको रेट चाहिए। आज व्यापारियों ने पिछले हफ्ते 3000 रुपए गुड़ बेचा, आज 2000 रुपए गुड़ मांग रहे। हमारी लागत का मूल्य नहीं निकल रहा। प्रशासन के ऐसे अधिकारी 3 घंटे हो गए, ना कोई पानी को पूछ रहा है ना कुछ पूछ रहा है। यहाँ बैठे बैठे हम लोग हताश हैं। हमारी मांग है अब तो पूरे संभाग का कमिश्नर आना चाहिए। आप कलेक्टर तो एक भगोड़ा आई नहीं रहा, कैसा माल है हमारा? ऐसा कैसा कलेक्टर है जो अभी तक आया नहीं है? परेशान है, गन्ने को भी दाम भाई, रहे। हमको गन्ने के दाम तो छोड़िए, यहाँ अब तो पानी की किल्लत आ गई। क्या व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं। इसलिए अब हमारी मांग है किसान भाइयों कि अब हमको संभागीय कमिश्नर चाहिए यहाँ पे।